वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ बोटी का सालन, हैदराबादी बोटी का सालन। इसके लिए दो बड़े फेर है ये। इसको अच्छे से साफ कर ले। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, वहाँ से देख के बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून मिर्ची है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे तेज़पत्ते, 3 से 4 तेज़पत्ते डालना। इसको अच्छा मिला लेना, इसको अच्छे से मिला लें। एक कुकर लिया और इसमें डालें 1 कप ऑयल, और जो फिर हम नमक मिर्ची डाल करके थे वो इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून ली में, और 1 कप ऑयल पानी डालना, ज़्यादा पानी ना डालना, इसमें से बोटी में से खुद पानी छोड़ना। अब इसको ढक्कन लगा लेंगे और इसको गला लेंगे। 4-5 सीटी देना। 4-5 सीटी के बाद इसको 7-8 मिनट धीमे पर छोड़ देंगे, जब इसके बाद चेक करेंगे। हमारी अच्छे से गल गई। अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। खुले बर्तन में मैं डाल दी। अब खुले बर्तन में डालने के बाद इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और पत्थर का फूल 2 टीस्पून, धनिया पाउडर। अब इसमें डालना है 1 मुट्ठी भर कोथमीर और 1 मुट्ठी भर पुदीना, और 5-6 हरी मिर्चियाँ। अब सारे मसाले डाल दिए। अब इसका पानी है, इसको तेज से पका के थोड़ा पानी को सुखा लेंगे। बोटी का सालन हमारा तैयार है। अब इसको फ्लेम बंद कर देंगे और डिश आउट करेंगे, और थोड़ा सा ऊपर से लास्ट में भी थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डालेंगे। सारी चीज़ें बराबर ये टाइम टेस्ट करके, नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। सालन हमारा तैयार है। इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ, राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब बकरीद में आपको ये रेसिपी बहुत काम आएगी। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।